बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की तलाश में लखनऊ पुलिस कई ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ सफलता नहीं लगी है। ऐसे में पुलिस धनंजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अजीत सिंह की हत्या में पूर्व सांसद का नाम खोलने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने इस वारदात में शामिल हुए कई लोगों को रिमांड पर लिया, जिसके बाद उससे पूछताछ की गई, जिसमें पूर्व सांसद का नाम सामने आया। वहीं अजीत सिंह की हत्या 6 जनवरी को हुई थी, जिसके दूसरे ही दिन अजीत सिंह की पत्नी रानू सिंह ने मऊआ में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, आजमगढ़ के माफिया कुंटू सिंह उर्फ ध्रुव सिंह, अखंड सिंह व गिरदारी विश्वकर्मा उर्फ डॉक्टर के खिलाफ लिखित तहरीर भी दे दी थी, जिसके बाद पूर्व सांसद के खिलाफ पुलिस ने सबूत जुटाने शुरू कर दिए। जिसके बाद पुलिस ने पहले धनंजय सिंह को दबोचने की कोशिश की, लेकिन असफल होने के बाद शनिवार को गैर जमानती वारंट जारी कराया। वहीं अगर पूर्व सांसद की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है तो पुलिस भगोड़ा घोषित कर उनकी संपत्ति भी कुर कर सकती है। न्यूज डेस्क।